नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग फ्री एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पीसी में। एंटीवायरस हर एक पीसी में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर वायरस रैंसमवेयर एंड ट्रोजन के लिए, जो कि कोई भी मैलवेयर या वायरस के अटैक पीसी में ना हो। विंडोज़ 10 पीसीज में बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस आता है। उसके अलावा भी आप अगर एडवांस कोई एंटीवायरस चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई अदर थर्ड पार्टी एंटीवायरस जो मोस्टली पेड है। क्विकिल हो गया, कैस्परस्काई हो गया, नॉटन हो गया, ऑल आर पेड एंटीवायरस। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे क्लैम एवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले clamavi.net, ये इसकी वेबसाइट है, इसको आप विजिट करेंगे। क्लैमएवी एक ओपन सोर्स एंटीवायरस इंजन है जो कि टॉर्जन वायरस और मैलवेयर डिटेक्शन कैपेबिलिटी रखता है। ये बेसिकली आपके ब्रांड ऑफ सिस्को से आता है, जो सिस्को नेटवर्किंग डिवाइस प्रोवाइड करता है उसी की ब्रांड नेम से आता है, ये उसी की फैमिली सिस्को फैमिली से आता है। और क्लैमएवी बेसिकली एक एंटीवायरस इंजन देता है जिसकी इंजन बहुत सारे और अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस हो या और अदर एंटीवायरस इंजन भी इसे यूज़ करते हैं। क्लैमएवी बेसिकली आपका एंटीवायरस है जो कि आप अपने फ्रीली कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक आपका उबंटू हो गया, लिनक्स का कोई भी वेरिएंट हो गया, विंडोज़ का कोई भी वेरिएंट हो गया, इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये बेसिकली CLI वर्जन बेस्ड है, मतलब आपको कमांड रन करना पड़ेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन फॉर स्कैन करने के लिए हो या फिर कोई वायरस डिटेक्शन के लिए भी हो। इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन रहता है जो कि इम्यूनेट बोल के है, इसकी वेबसाइट है immunet.com। इसका आपको UI मिल जाता है, यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। बट ये जो एंटीवायरस है ये बेसिकली क्लैमएवी की एंटीवायरस इंजन को ही, वायरस इंजन को ही यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इसे इम्यूनेट को इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर पे और देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो immunet.com वेबसाइट में आने के बाद इसे आप डाउनलोड करेंगे, राइट हैंड साइड पे डाउनलोड बटन है, बहुत ही छोटा सा फाइल है। और ये एंटीवायरस बहुत ही लाइट वेट है जो कि आपके पीसी की परफॉर्मेंस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है और इंस्टॉलेशन भी बहुत ही सिंपल है जी। ये डेस्टिनेशन फोल्डर आप चेंज भी कर सकते हैं, ये सी प्रोग्राम में आपका इंस्टॉल होगा। स्पेस जो रिक्वायर्ड है 117 MB का है ओनली, और इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ये थोड़ा सा समय लेगा। इसके अलावा भी आप कोई भी पेड एंटीवायरस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी आप क्रैक या कोई भी डाउनग्रेडेड डिग्रेडेड एंटीवायरस यूज़ मत कीजिए। बेटर आप विंडोज़ डिफेंडर यूज़ कीजिए आपकी एंटीवायरस वायरस प्रोटेक्शन के लिए, और अदरवाइज आप ओपन सोर्स में इम्यूनेट को यूज़ कर सकते हैं जो कि पावर्ड बाय क्लैमएवी। अब ये इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया। डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको टिक मार्क रहने देंगे। यहाँ पर आपका ये इंस्टॉल होने के बाद आपका नोटिफिकेशन एरिया में ये ऑलरेडी आपका एक यहाँ पर पॉपअप आ रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है जी। ये आपका सिंपल एक UI है जिसमें आपको कंप्यूटर एंड प्रोडक्ट दो सेक्शन है, जिसके अंदर स्कैन का ऑप्शन है। आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, फ्लैश स्कैन, कस्टम स्कैन, फुल स्कैन। इसके अलावा स्कैन की एक्टिविटी की समरी यहाँ से आपको दिखेगी कि आपका क्लीन फाइल या मेलिशियस फाइल कब कहाँ कैसे आया है, इसकी आपकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। कोई भी क्वारंटाइन फाइल जो आप क्वारंटाइन करेंगे उसके रिलेटेड सेटिंग्स है। और इसके अलावा यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, या फिर आप मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं एंटीवायरस इंजन को, एंटीवायरस की जो वायरस इंजन है। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग बटन है जिसके अंदर जाके आप और भी एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई ब्लॉकिंग मोड ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं यहाँ पर इस, ठीक है। ये एक बेसिक एंटीवायरस इंजन है जो कि प्रोवाइडेड बाय क्लैमएवी, जो आप अपने पीसी पे यूज़ कर सकते हैं कोई भी अदर देन कोई क्रैक या कोई पायरेटेड एंटीवायरस को छोड़ के। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।